अरे योगी जी, लालू जी, अखिलेश, राहुल, सब लोग इकट्ठे होके क्या पटाखे बेचने लगे? इस दिवाली तो गांव में पटाखे बेचने वालों की भीड़ लग गई। मोदी जी, दुकानों को मत देखो, ये बताओ आपको क्या लेना है। ये देखो मोदी जी, सुतली बम्ब बेच रहा हूँ मैं, सुतली बम्ब ले जाओ मुझसे खरीद के, अच्छे दाम में लगा दूंगा, फोड़ते हुए भी बहुत मजा आएगा। नहीं होगी जी, सुतली बम्ब तो मुझे नहीं चाहिए, सुतली बम्ब आवाज बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा आवाज करते हैं, आसपास का पूरा मोहल्ला जाग उठता है और सब बाहर निकल आते हैं। सुतली बम्ब तो मैं नहीं फोड़ूंगा इस दिवाली, कोई दूसरा पटाखा दिखाओ। मोदी जी, दूसरा पटाखा मेरे पास है, योगी जी तो सिर्फ सुतली बम्ब बेच रहा है, ये देखो मैं रॉकेट बेच रहा हूँ, रॉकेट बहुत बढ़िया धमाका करेगा आसमान में जाके। अरे लालू जी, धमाका तो करेगा, मुझे ज्यादा आवाज करने वाले पटाखे नहीं चाहिए इस दिवाली। लालू जी, कोई ऐसा पटाखा दिखाओ जिससे दिल खुश हो जाए। मोदी जी, लालू जी तो सिर्फ रॉकेट बेच रहे हैं, ये देखो मैं फुलझड़ी बेच रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया फुलझड़ी है, ले लो, आवाज भी नहीं करती है ज्यादा, उजाला बहुत करती है। नहीं राहुल, ज्यादा उजाले वाला पटाखा भी मुझे नहीं चाहिए, कम आवाज और कम उजाले वाला पटाखा दिखाओ कुछ। तो मोदी जी, ये देखो मैं लड़ी बेच रहा हूँ, लड़ी बहुत बढ़िया लड़ी है, कम आवाज कम उजाला करेगी और काफी देर तक चलेगी, ये कम से कम 15 मिनट, बहुत लंबी है ये। अखिलेश, इतनी देर तक चलने वाला पटाखा मुझे नहीं चाहिए, बस एक ही पटाखा हो, अच्छा पटाखा हो। तो मोदी जी, ये ले लो, एक ही पटाखा है, सस्ते दाम में लगा दूंगा, बहुत ही धमाका करेगा। अरे शिवराज सिंह जी, इतना बड़ा पटाखा लिए पड़े हो हाथ में, इसको कौन ले जाएगा, ये तो बहुत ही बड़ा है। मैंने शुरू में ही कह दिया मुझे ऐसा पटाखा चाहिए जो ज्यादा आवाज ना करे, ये तो बहुत आवाज करेगा। मोदी जी, जब आपको दिवाली पे आवाज नहीं चाहिए तो फिर पटाखे खरीद ही क्यों रहे हो, घर पे ताली बजा देना, आवाज हो जाएगी, बेफालतू की बात करते हो। चलो मोदी जी सुनो, ये देखो मेरे हाथ में पटाखे हैं दो, एक के साथ एक फ्री, ले लो, सस्ते दाम में लगा दूंगा। अमित शाह जी, एक के साथ एक फ्री बेच रहे हो तो क्या अच्छे पटाखे होंगे ये, समझ में नहीं आ रहा है, कोई अच्छा कम आवाज का और कम रोशनी का पटाखा दिखाऊं। लो मोदी जी, ये लो तो तुम, ये है चकरी, गोल गोल घूमेगी, कम उजाला करेगी, कम आवाज करेगी, बहुत मजा आएगा इसे जलाते हुए। हाँ केजरीवाल जी, तुम्हारी चकरी पसंद आई, चकरी दे दो और सब लोग सब एक एक पटाखा दे दो, जब यहाँ आया हूँ तो सभी के पटाखे खरीदूंगा, किसी को निराश नहीं करूंगा। और बहनों को वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। राहुल, इस लोहे की टप को आगे को लाओ, आगे को लाओ, जितना भी कूड़ा है मैं झाड़ू से तुम्हारी टप में भर दे रहा हूँ, और इसे जाके एक कचड़े का डिब्बा है वहां पे जाके फेंका हूँ। दिवाली का मौका है राहुल, इसीलिए मैंने सोचा सब लोग मिलके गांव की साफ सफाई कर देते हैं। तो मोदी जी एक बात बताओ, जैसी आपने कहा कि गांव की साफ सफाई करना है दिवाली के मौके पर, मैं तुरंत झाड़ू लेके घर से चला आया, देखो मैं भी तो साफ सफाई कर रहा हूँ आपके साथ में। केजरीवाल जी, तुम तो साफ सफाई अच्छी तरीके से कर रहे हो, लेकिन ये शिवराज सिंह जी तो खड़े हुए हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं रहे। मोदी जी, आपकी हमेशा यही बातें रहती है, पिछले मोहल्ले में तो मैं साफ सफाई करके आया हूँ, इधर अगर आप सफाई कर रहे हो तो कौन सा बड़ा काम कर रहे हो, जबकि पिछला मोहल्ला कितना बड़ा मोहल्ला है गाँव का, आप अगले वाले मोहल्ले की कर रहे हो, ये तो छोटा मोहल्ला है। मोदी जी, आप भी बेफालतू की बात करते हो, जब शिवराज सिंह जी ने अभी गांव के पिछले मोहल्ले में सफाई की है तो उनसे ये कहने की क्या जरूरत थी कि वो आराम से खड़े हुए साफ सफाई नहीं कर रहे। अरे दिवाली के मौके पे सब लोग मिलजुल के सफाई कर रहे, किसी मोहल्ले में मैं सफाई कर रहा हूँ, किसी मोहल्ले में आप कर रहे हो, तो किसी मोहल्ले में शिवराज सिंह जी कर रहे, योगी जी ने भी अभी गांव के बीच वाले मोहल्ले में सफाई की है, और अखिलेश भी जम के सफाई कर रहे। हाँ ये लालू जी आगे अभी खड़े हुए हैं, ये तो अपने साथ में थे ही नहीं, इन्होंने कहीं पे भी सफाई नहीं की है। अच्छा राहुल, एक बात बताओ, अभी क्या पूरे गांव की साफ सफाई हो गई? अभी तो आधे गांव की भी सफाई नहीं हो पाई है, कुएं के पास वाला जो मोहल्ला है वहां पे सफाई मैं कर दूंगा। चलो ये देख के कम से कम अच्छा तो लगता है, गांव में जब भी कोई बड़ा त्योहार आता है, दिवाली हो होली हो, सब लोग एकजुट होकर गाँव की सफाई करने लगते है। अब देखो दिवाली नजदीक है, सब लोग मिलजुल के सफाई कर रहे हैं। अगले सब तुम मुझे अपनी झाड़ू दे दो, कुछ सफाई मैं भी कर लूं। लालू जी, मैं अपनी झाड़ू आपको नहीं दूंगा, आप अपने घर से झाड़ू लेके आओ, हम सब लोग अपने अपने घर से झाड़ू लेके आए गांव की सफाई करने के लिए। पिछली बार होली पे मैंने अपनी झाड़ू केजरीवाल जी को दे दी थी, मैं भूल गया, ये अपने घर ही पे ले गए थे मेरी झाड़ू। चलो अखिलेश, तुम अपनी झाड़ू लालू जी को मत देना, लालू जी मैं तुम्हें अपनी अभी झाड़ू दे देता हूँ, अब तुम सफाई करो, मैं तो सफाई करते करते थक गया बिल्कुल। लेकिन इस बार गांव की साफ सफाई भी काफी दिन बाद हो रही है, कचरा भी बहुत इकट्ठा हो गया था चारों तरफ, साफ सफाई होते ही गांव बिल्कुल चमक उठा, दिवाली के मौके पे बिल्कुल अच्छा लगेगा। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।
अरे मोदी जी ये वाला जूता पहन कर देखो, ये वाला जूता बहुत अच्छा लग रहा है, पहनो। कम से कम 10 जोड़ी जूते देख चुके हो आप, लेकिन आपको कोई जूता पसंद ही नहीं आ रहा। इतनी देर में तो मैं कम से कम 50 ग्राहक चला देता हूँ जितनी देर से आप बैठे पड़े हैं यहाँ पर। राहुल ये बताओ तुम्हारी दुकान पर कोई जूता अच्छा है भी तो नहीं जो मुझे पसंद आए। दूसरी बात ये, तुम जो जूता दिखा रहे हो इसका नंबर तो 9 है, मैं 8 नंबर का जूता पहनता हूँ, 8 नंबर जूता लाओ। अरे जूता तो पसंद करो, जूता आपको ये सही लग रहा है कैसा लग रहा है, नंबर तो कंबल हो ही जाएगा, इसका दूसरा नंबर 8 नंबर भी रखा पड़ा है मेरे पास। नहीं राहुल इसका डिजाइन मुझे कोई खास पसंद नहीं आ रहा है, और जूते दिखाओ नहीं तो मैं दूसरी दुकान पर जाता हूँ, केजरीवाल की दुकान पर चला जाऊंगा, जल्दी से जल्दी दिखाओ। देखो मोदी जी आप बार बार केजरीवाल जी की दुकान का नाम लेकर तो मुझे भड़काया मत करा करो। अरे कम से कम 1 घंटे से मैं आपको जूते दिखा रहा हूँ, क्या बेवकूफ हूँ, इसीलिए तो आपको दिखा रहा हूँ, कम से कम मेरी दुकान से आप खाली ना जाओ। लेकिन आपको कोई जूता पसंद आ ही नहीं रहा है, जबकि अपने गाँव में मुझसे बड़ी जूते की दुकान किसी की भी नहीं है, अगर मेरी दुकान पर जूता नहीं मिला तो आपको कहीं पर पसंद आएगा ही नहीं। राहुल ये बताओ हम क्या बेवकूफ है, 1 घंटे से खाली बैठे पड़े तुम मोदी जी को ही जूता दिखाए जा रहे हो, मुझे भी तो जूता दिखाओ, मुझे भी 1 जोड़ी जूता लेना है, मेरे जूते टूट चुके। ये बताओ अखिलेश अलग अलग जूते दिखाऊंगा, मोदी जी को जो मैं जूते दिखा रहा हूँ इन्हीं में से पसंद कर लो, कौन सा वाला जूता तुम्हें अच्छा लग रहा है बताओ, वही वाला जूता ले लो। ये देखो मेरे हाथ में काला वाला जूता है, ये बहुत बढ़िया जूता है, इसकी 1 साल की वारंटी है, अगर ये कट गया फट गया तो तुरंत वापस हो जाएगा। राहुल ये वही वाला जूता तो है जो तुमने मुझे दिया था 1 साल की वारंटी बोलकर। हाँ योगी जी ये वही वाला जूता है जो आप ले गए थे, लेकिन राहुल ये तो तीसरे ही दिन टूट गया था मेरे पैर में, और तुमने वापस भी नहीं किया था, जब मैं वापस करने के लिए आया था तुमने कहा था 1 साल की वारंटी है, जबकि तुमने वापस नहीं किया था, ये बताओ। राहुल ये योगी जी क्या कह रहे हैं, तुम वारंटी बोलकर और जूते को वापस नहीं करते हो, अगर जूते में कोई दिक्कत आ जाती है इस तरीके से तो हम भी तुमसे जूता ले जाएंगे, और अगर 1 साल की वारंटी होगी जूते की और अगर जूता फट जाएगा कट जाएगा तो तुम वापस नहीं करोगे। अच्छा मोदी जी एक बात साफ सी बताओ, जूतों को पहनकर रोड पर चलने की तो ही गारंटी होती है, अब ये योगी जी मुझसे जूता खरीद कर ले गए और खेतों पर चले गए पानी भरने के लिए, खेत में सिंचाई करने के लिए इन्होंने बुरी तरीके से जूतों को पानी में भिगा दिया, जूते टूट गए। अब जानबूझ के जूते को तोड़ोगे तो वारंटी थोड़ी मिल जाएगी। और भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचा हूं, 9 बजने में 1 मिनट बाकी है, 9 बजे फिल्म शुरू हो जाएगी। अरे ये क्या मोदी जी आज तो बिल्कुल सारी जगह घिर गई, मुझे तो टीवी के पीछे बैठना पड़ रहा है, ऐसे मुझे टीवी कहां दिख जाएगी। अरे लालू जी थोड़ा उधर को सर को। राहुल जब लेट आओगे तो जहां जगह मिलेगी वहां पर बैठना ही पड़ेगा, तुमको ये मालूम होना चाहिए कि गांव में सिर्फ 1 ही टीवी है मेरे घर पर, और गांव के सारे लोग यहां पर टीवी देखने के लिए आते हैं, तो जगह बनकर थोड़ी आएगी, जब सारे लोग आएंगे जहां जगह मिलेगी वहां बैठ जाऊं। और ये क्या 9 बज गए फिल्म शुरू हो गई होगी, टीवी सही से चली नहीं रही है क्योंकि ऊपर एंटीने पे ऐसा लग रहा है फिर से कौवा बैठ गया। लालू जी जाओ जरा देख कर आओ, एंटीने को घुमा कर आओ। नहीं मोदी जी आज मैं छत पर नहीं चढ़ूंगा, कल तो मैंने एंटीना घुमाया था, आज एंटीना घुमाने के लिए योगी जी को भेजो। ज्यादा बातें मत करो लालू जी, देखो फिल्म स्टार्ट हो गई होगी, तुमसे पहले मैं तो 4 बार एंटीना सही करके आया था, तुम 2 बार चले जाओगे एंटीना सही करने के लिए तो क्या हो जाएगा, देखो फिल्म चालू हो गई होगी, जल्दी से सही कराओ। अरे मोदी जी तुम्हारे टीवी का एंटीना आज ही खराब होने को रह गया था, मैं और सिद्धू जी 5 किलोमीटर से आज शनिवार की फिल्म देखने के लिए आए थे, हमें क्या पता यहाँ आकर तुम्हारी टीवी खराब हो जाएगी। अरे अमित शाह जी टीवी खराब नहीं हुआ है, छत पर एक एंटीना बंधा हुआ है, उसी के नेटवर्क को कैच करके तो फिल्म चलती है, उस एंटीने पे कभी कभी कौवा बैठ जाता है, वो हिल जाता है, उस एंटीने को जब हिला देते हैं वो सही हो जाता है, लेकिन कोई जा ही नहीं रहा है, फिल्म निकली जा रही है। अखिलेश तुम जाओ जाओ एंटीना सही करने के लिए। देखो मोदी जी आज मैंने खेत पर बहुत काम कर लिया है, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो छत पर नहीं चढ़ूंगा, और कभी किसी दिन मैं एंटीना सही कर दूंगा। अरे केजरीवाल तुम ही बढ़ जाओ छत पे, जाओ एंटीना सही करके आ जाओ। मोदी जी मैं अपनी जगह से नहीं हिलूंगा, मैं अगर छत पर एंटीना सही करने के लिए जाऊंगा तो मेरी जगह पर राहुल आकर बैठ जाएगा। चलो वैसी जी तुम्हारा ही सहारा है, तुम जाके एंटीना सही कर रहा हो, ये कोई तो नहीं जा रहा है। मोदी जी मैंने आपसे इतनी बार बोला है कि एंटीने को कसकर बांध दो छत पर, कसकर बांध दो, कौवा बैठे उससे हिले नहीं, लेकिन तुम मेरी एक नहीं सुनते हो, कौवा बैठता है एंटीना हिल जाता है और टीवी का नेटवर्क चला जाता है। अरे आधी फिल्म तो खत्म हो गई होगी, चलो हम ही जाते हैं छत पर सही करने के लिए एंटीना। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अखिलेश मैं बहुत देर से देख रहा हूँ चुपके चुपके तुम जो कर रहे हो, बहुत देर से देख रहा हूँ। अरे मोदी जी क्या बताओ क्या कर रहा हूँ मैं, क्या देख रहे हो आप मुझे बताओ तो, क्या चीज। मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात पूछूंगा,
तुम मुंह क्यों चला रहे हो ये बताओ। अरे कम से कम इन रसगुल्लों को बन जाने तो दो। तुम चुपके से एक रसगुल्ला उठाते हो और अपने मुंह में रख जाते हो। ऐसी कई बार तुम रसगुल्ले खा चुकी हो। अरे नहीं मोदी जी, झूठ नहीं बोलूंगा। सिर्फ 5 रसगुल्ले खाए मैंने आपके हाथ के बने हुए। असल में आपके हाथ के बने हुए रसगुल्ले है इतने अच्छे, ऐसा लग रहा है पूरी की पूरी थाल खा जाऊं। मोदी जी एक उठाकर और खा लूं? एक की इजाजत और दे दो, बस एक रसगुल्ला और खा लेता हूँ। देखो राहुल, ये रसगुल्ले बनाकर मुझे बांटना है सब जगह। तुम सब लोगों को दावत पर बुलाया है, सबको बराबर बराबर खिलाऊंगा मैं। अब तुम एक भी चुपके से रसगुल्ला उठाकर मत खाना, 5 रसगुल्ले तुम पहले ही खा चुके हो। मोदी जी एक रसगुल्ला उठाकर मैं खा सकता हूँ? मुझे तो दे दो एक रसगुल्ला। जब अखिलेश चुपके से 5 खा गया तो एक मैं आपसे पूछकर खाना चाहता हूँ। दे दो एक रसगुल्ला, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है आपके रसगुल्ले में से। देखो राहुल साहब, साहब एक बात बता देता हूँ, अखिलेश तो चुपके से उठाकर रसगुल्ले खा गया, वो तो जब इसने मुंह में रसगुल्ले रखे तो मुझे पता चला ये रसगुल्ले खा रहा है। अगर ये मुझसे पूछ के रसगुल्ले खाता तो मैं एक भी रसगुल्ला इसे नहीं देता और ना तुम्हें दूंगा मैं। तुम मुझसे पूछ रहे हो एक रसगुल्ला खाने के लिए, मैं एक भी रसगुल्ला तुम्हें नहीं दूंगा। लेकिन ये मुंह चलने की आवाज किसकी आ रही है? अरे मोदी जी राहुल की तरफ देखो, राहुल की तरफ। राहुल चुपके से एक रसगुल्ला उठाकर खा गया। जब वो आपसे मांग रहा था एक रसगुल्ला तो आपने क्यों नहीं दिया? इसीलिए वो चुपके से उठा के खा गया। उसी का मुंह चल रहा है, उसी के खाने की आवाज आई है। लगता है तुम ये रसगुल्ले बनाने ही नहीं दोगे। जब तक ये रसगुल्ले बनकर तैयार होंगे तुम दोनों की दोनों थाल में से सारे के सारे रसगुल्ले चुपके से खा जाओगे। योगी जी आप नजर रखे रहो दोनों थालों पर। ये कोई भी अब रसगुल्ला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मुझे आप पर भरोसा है, क्योंकि मेरा ध्यान कढ़ाई की तरफ है। ये कढ़ाई में और रसगुल्ले बनकर तैयार हो रहे हैं। अरे मोदी जी मैं क्या ध्यान दूंगा, 2-4 रसगुल्ले मैं भी चुपके से उठा के खा चुका हूँ। तुम्हारे हाथ के बने हुए रसगुल्ले है इतने अच्छे, रहा ही नहीं जा रहा है। कई रसगुल्ले उठाकर मैं चुपके से खा गया। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।